जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो एक यूट्यूबर होता है जो अनबॉक्सिंग करता है स्मार्टफोन की या रिव्यू करता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उसको नॉर्मल यूज़र के कंपैरिजन में, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कोई यूट्यूबर, आप भी हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी सारे कंपनी के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं अलग अलग, तो आपको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ऐसे नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे मैं बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब, जो एक यूट्यूबर होता है उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए, क्योंकि वो फीडबैक आगे जाता है, आप लोगों तक जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं अपना जो एक्सपीरियंस देने वाला हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ और एम सीरीज़ के बारे में। और ऐसे वीडियो पे काफ़ी सारा हेट देखने को मिलता है, तो मैं इतना ही कहूँगा, ऐसी वीडियो को न्यूट्रल होकर देखना चाहिए, अपने अपने ब्रांड की बातों को छोड़ के। नहीं तो आपको ये उम्मीद नहीं करना चाहिए किसी यूट्यूबर से, या ये कमेंट नहीं करना चाहिए कि भाई तू पैसे खाता है या जो भी है। मतलब मैंने गलत तो नहीं कहा, तो एम सीरीज़ के जो फ़ोन आते हैं सैमसंग के, वो फ़ोन की खासियत क्या रही है, कम प्राइस में ऐसे थोड़ा सा बाकी स्मार्टफोन से कंपटीशन हो सकता है, या फिर आपको कम प्राइस में सैमसंग का फ़ोन मिल जाता है, वो फीचर देता है आपको, मतलब वो प्राइस देता है सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इस बात को साइड में रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि एम सीरीज़ के साथ आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आज की डेट तक जितने फ़ोन लॉन्च हुए उसकी बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और ये सारे फ़ोन पर्सनली यूज़ किए, चैनल पे वीडियो है। तो सबसे पहले बताता हूँ, ये गैलेक्सी एम 40 आया था, आपको याद होगा, गैलेक्सी एम 40 में स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर दिया गया था, यही मेन इस फ़ोन की हाईलाइट थी। बाकी ऐसे पंच होल वगैरह तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन 675 एक हाईलाइट था कि सैमसंग इतने कम प्राइस में 675 नहीं देता। तो ऐसे उस फ़ोन को लेकर भर भर के झूठ बोला गया है, वहाँ पर फ्री उरी में फ़ोन मिल जाता है ना। तो सैमसंग गैलेक्सी एम 40 में जो आपको स्नैपड्रैगन 675 मिलता है, और एक फ़ोन ए सीरीज़ में आता था गैलेक्सी A70, उसमें भी स्नैपड्रैगन 675 मिलता है, दोनों के जो फ़ोन का जो परफॉर्मेंस था ना, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिला मुझे। मतलब एम 40 का जो 675 था, उसमें चाहे गेमिंग एक्सपीरियंस हो चाहे ओवरऑल एक्सपीरियंस हो, वो गैलेक्सी के A50 जिसमें एक्जीनोस 9610 प्रोसेसर आता है, उससे भी बुरा परफॉर्म करता था। जबकि 675 को उससे बेटर ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है आसानी से 9610 से। जो हमने गैलेक्सी A70 में देखा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। A70s भी लेटेस्ट आया है, उसमें भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। चाहे हम लोग गेमिंग की बात करें या कुछ भी, आपको जो ए सीरीज़ में वही प्रोसेसर मिला, वो काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। और साथ में आपको TFT डिस्प्ले मिला था, चलो ठीक है, वो तो हमें पता था, जो चीज़ ऐसे पता हो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा दे रखी हो और वही सही से काम ना करे, दिक्कत वो होता है। और एक और फ़ोन आया था एम सीरीज़ का स्टार्टिंग में, वो था M20। नो डाउट सैमसंग का वो पहला फ़ोन बन जाता है एम सीरीज़ का, जो ऐसे कम प्राइस में काफ़ी कुछ दे रहा था, काफ़ी फेमस हुआ वो फ़ोन। लेकिन दिक्कत क्या थी, उस फ़ोन में कैमरा जो है वो सही से ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करता, बाकी बैटरी वगैरह अच्छी थी, तो वहाँ पे कैमरा रिलेटेड इशू देखने को मिला। एम 40 में हमें प्रोसेसर रिलेटेड इशू देखने को मिला। और अभी लेटेस्ट फ़ोन की बात करते हैं, वो है सैमसंग गैलेक्सी M30s। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6000 mAh की बैटरी, साथ में एक्जीनोस 9611 प्रोसेसर, ये सारा कुछ 14000 के आसपास, और ऐसे ऑफर में तो बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा भी लिया था, कम प्राइस में मिला था, ये डिपेंड करता है आपने लिया था कि नहीं। तो इस फ़ोन में लोगों ने ये तो कह दिया कि इसके बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, मतलब मुझे उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना कुछ सैमसंग जैसा ब्रांड दे रहा है कम प्राइस में, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो देखने को मिलेगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि गैलेक्सी M30s में जो नेटवर्क ऐसे सिग्नल आता है ना, सिग्नल का ऐसे बहुत बड़ा रोल है फ़ोन में, क्योंकि ऐसे इंटरनेट नहीं तो फिर दुनिया वीरान हो जाएगी आपकी। तो इस फ़ोन में आपको नेटवर्क से रिलेटेड इशू देखने को मिलता है, वहाँ पे जहाँ नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हुआ, यानी कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे अभी प्रॉपर वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, इसका कहाँ से एक्सपीरियंस मिला, मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, इसका वीडियो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, और भी यहाँ M40 वगैरह के वीडियो भी आई बटन में दे दूंगा, तो मेरे टेस्ट में देखने को मिला। दूसरा, मेरा एक फ्रेंड है वो भी यूज़ कर रहा है M30s, उसको भी ये दिक्कत आ रही है, और वो उसने भी मेरे कहने पर लिया था, लेकिन उनका बजट फिक्स था, सब कुछ फिक्स था, और पहली सेल में उनको फ़ोन को ख़रीदना था, तो मैं क्या कर सकता था, तब तक तो मैंने फ़ोन को टेस्ट नहीं किया था। और मुझे कहाँ पता लगा, गीके रंजीत का चैनल आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश चैनल है, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, वहाँ पे ऐसे सैमसंग के साथ उनका एक इंटरव्यू का वीडियो है, उस वीडियो में उन्होंने सैमसंग के M30s से कैमरा से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पे सवाल जवाब हुआ था, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नेटवर्क से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिले मुझे लोगों के, कि हाँ उनके फ़ोन में ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ देखने को मिला M30s में, जिसके बारे में किसी ने बात नहीं किया, किसी ने मतलब किसी ने नहीं किया, वो सिर्फ आप है जो कमेंट में आके कहते हैं कि हाँ हमारे फ़ोन में ये चीज़ देखने को मिला। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं नहीं हमें ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिली, हमारा फ़ोन काफ़ी बढ़िया चल रहा है।
तो ये चीज़ है, डिपेंड करता है वो लोग कौन से एरिया में रहते हैं या कौन सा सिम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जितने एम सीरीज़ के फ़ोन आए उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिलता रहा। अब मैं यहाँ पे कौन से फ़ोन के बारे में बात नहीं कर सकता, M30s जो आया था उसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, और जो ये 10,000 के नीचे आते हैं आपका M10s वगैरह वो ठीक है अपनी जगह बजट के हिसाब से। और उसी जगह पे आपको मिलता है सैमसंग का ए सीरीज स्मार्टफोन जो ज़्यादा प्रीमियम देखने में लगता है, ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे और ज़्यादा आपको ऑफलाइन, ज़्यादा का मतलब ऑफलाइन मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं कि ए सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, किसी भी कंपनी का कोई भी सीरीज़ हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, सभी में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो ज़्यादा देखने को मिला वो मैंने आपको शेयर कर दिया, क्योंकि सैमसंग का फ़ोन वो लोग ज़्यादा मैंने देखा खरीदते हैं जिनको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना है। उसका एग्जांपल ये फ़ोन है, ये ऑन मैक्स है लेकिन आज भी कोई दिक्कत नहीं करता, एकदम परफेक्ट चलता है, ना नेटवर्क प्रॉब्लम, ना किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं इस फ़ोन में। बाकी सैमसंग के फ़ोन मैं भी पसंद करता हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है, मुझे किसी फ़ोन से कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जाके बनना, चाहे रियलमी, रेडमी या सैमसंग हो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सीधा है कि अगर आपके पास कन्फ्यूज़न है ए सीरीज़ और एम सीरीज़ में, और अगर आप बजट लगा सकते हैं तो आपको ए सीरीज़ के साथ ही जाना चाहिए हमेशा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना। बस यही था जो आपके साथ शेयर करना था मुझे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को वैसे पसंद आई हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।